दोस्तों अभी आपको बताऊंगा होली पर चंद्रग्रहण का साया है और इसके ठीक कुछ ही दिन बाद लगने जा रहा इस साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण भी। और ये सूर्य ग्रहण इतना पावरफुल होगा, इतना तेज होगा कि दुनिया के कई देशों में पूरा अंधेरा सा छा जाएगा। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बाद कई राज्यों में तो स्कूल बंद करने की घोषणा भी की जा चुकी है। दुनिया के किस किस देशों के किन किन राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे और क्या ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में भी दिखेगा या नहीं, आइए देखते हैं इस साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी विस्तार से। लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद्रग्रहण के बारे में भी बता दूं, इस साल का पहला चंद्रग्रहण सोमवार 25 मार्च को लग रहा और चंद्रग्रहण का समय रहेगा सुबह 10:24 से दोपहर 3:01 तक, यानी कि कुल 4.5 घंटे की अवधि होगी चंद्रग्रहण की। और खगोलविदों की माने तो ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा बल्कि दुनिया के कुछ देश जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस वगैरह, इन देशों में दिखाई देगा। और चूंकि ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और ठीक इस चंद्रग्रहण के 15 दिन बाद 8 अप्रैल को इस साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है और इसी दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इतना पूर्ण सूर्य ग्रहण तकरीबन 50 सालों बाद लगने जा रहा है क्योंकि इस दिन सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से कवर कर लेगा और दिन में पूरा अंधेरा छा जाएगा। क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता है बल्कि चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस वजह से धरती पर दिन में भी अंधेरा जैसा हो जाता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, राइट। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इसीलिए इस बार सूर्य ग्रहण पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेगा और दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। और उस समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा करीब 7 मिनट के लिए सूर्य दिखाई नहीं देगा दिन में भी। इस दौरान पूरी तरह से 7 मिनट तक ब्लैक आउट रहेगा यानी काला अंधेरा छा जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल लगेगा या नहीं, दुनिया के किन किन देशों में अंधेरा छाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो ये साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 के दिन रात में 9:12 पर शुरू होगा और ग्रहण का समापन रात में 1:20 पर हो जाएगा। अब ये क्योंकि भारतीय समय अनुसार रात में लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इसलिए आप समझ गए होंगे कि भारत में तो इसका ब्लैकआउट देखने को नहीं मिलेगा यानी कि भारत में अंधेरा नहीं होगा, लेकिन दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहां पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और यही वजह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में नहीं लगेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। वैज्ञानिकों की चेतावनी के मुताबिक 8 अप्रैल को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के दौरान अमेरिका के कई हिस्सों में अंधेरा छा जाएगा और यही वजह है कि ग्रहण और अंधेरा होने की वजह से सुरक्षा के तौर पर अमेरिका के कई राज्यों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण में टेक्सास से लेकर उत्तर पूर्व में मेन तक दिखाई देगा। और भी दुनिया के किन किन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, भारत में इस सूर्य ग्रहण की वजह से अंधेरा नहीं होने वाला है। अमेरिका के कुछ राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां की गई है 8 अप्रैल को। तो उम्मीद है दोस्तों सूर्य ग्रहण को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट में जय सूर्य देवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।